हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोडियो ट्यूटोरियल चैनल। आज का एजेंडा है हाउ टू कॉल फ्लो इन प्रोसेस बिल्डर। तो फ्लो को प्रोसेस बिल्डर के अंदर कॉल कैसे कराते हैं, सिंपली प्रोसेस बिल्डर में एक्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं फ्लो, और यहाँ पे जितने भी ऑटो लॉन्च फ्लो होते हैं उसकी लिस्ट बन के आ जाती है, और जो फ्लो यूज करना चाहते हैं उसको सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली क्विक फाइंड बॉक्स में लिखेंगे फ्लो, फ्लो को ओपन करेंगे यहां से। न्यू फ्लो करेंगे, यहां पे अपन सेलेक्ट करेंगे ऑटो लॉन्च फ्लो। सिंपली ऑटो लॉन्च फ्लो पे जस्ट क्रिएट, यहां पे अपन करते हैं क्रिएट अ रिकॉर्ड, जैसे अकाउंट कॉन्टेक्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सेपरेट रिसोर्स एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फील्ड में लास्ट नेम में मैं डालता हूँ यहाँ पे जॉन, हेड फील्ड टाइटल में डाल देता हूँ फ्लो, और फोन नंबर फील्ड में कॉन्टेक्ट की में मैं डाल देता हूँ कोई भी रैंडमली नंबर, और ईमेल टाइप में मैं डाल देता हूँ john@1, और सिंपली अकाउंट आईडी में एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल अकाउंट आईडी जो स्टोर करेगा, डेटा टाइप उसका टेक्स्ट रखेंगे, और अवेलेबल फॉर इनपुट एंड डन, और इसको डन कर देंगे। सिंपली यहाँ से कनेक्ट कर देंगे, ये अपना फ्लो है। सिंपली फ्लो को सेव कर देंगे, फ्लो का नाम लिख देंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट यूजिंग प्रोसेस बिल्डर, सिंपली सेव कर देंगे एंड एक्टिवेट कर देंगे फ्लो को। सिंपली आप यहाँ पे क्विक फाइंड बॉक्स में जाएंगे, लिखेंगे प्रोसेस बिल्डर सेलेक्ट करेंगे, लोडिंग में टाइम हो रहा है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे, और प्रोसेस बिल्ड का नाम लिख देंगे क्रिएट कॉन्टेक्ट यूजिंग फ्लो, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे रिकॉर्ड चेंज पे और सेव कर देंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ओनली व्हेन रिकॉर्ड इज क्रिएटेड, जब अपना अकाउंट का रिकॉर्ड क्रिएट होगा तब ही ये प्रोसेस बिल्डर ट्रिगर होगा। सिंपली यहाँ पे सेव कर देंगे, यहाँ पे क्राइटेरिया में नो क्राइटेरिया, सेव। यहाँ पे एड एक्शन में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एक्शन टाइप में फ्लो, फ्लो का नाम दे देंगे डेमो फ्लो, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फ्लो जो अपन ने क्रिएट करा है क्रिएट कॉन्टेक्ट यूजिंग प्रोसेस बिल्डर, उस फ्लो को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो अपन ने वेरिएबल बनाया था वो अकाउंट आईडी वो आ जाएगा, इसमें फील्ड रेफरेंस दे देंगे, फील्ड रेफरेंस दे देंगे जो अकाउंट की जो आईडी क्रिएट होगी वो, तो सिंपली आईडी अकाउंट की, और
चूज कर देंगे और इसको सेव कर देंगे यहाँ से और सिंपली यहाँ से एक्टिवेट कर देंगे। सिंपली होम पेज पे जाके अकाउंट यहाँ से कोई भी न्यू सेलेक्ट करेंगे, न्यू यहाँ पे नेम दे देंगे स्मिथ, सिंपली सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे वैसे ही डिटेल साइड में एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया, उसमें कॉन्टेक्ट का नाम आ गया जॉन, जो अपन ने यहाँ पे दिया था। कॉन्टेक्ट का लास्ट नेम में आ गया जॉन एंड फ्लो टाइटल में आ गया फ्लो और यहाँ पे जो अपन ने नंबर दिए थे वो आ गए और ईमेल में जो अपन ने ईमेल आईडी दी थी वो आ गई। तो सिंपली ये फ्लो ओनली क्रिएटेड पे ही चलेगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, एडिट करके नंबर डाल देता हूँ और सेव करता हूँ, तो मेरा ये फ्लो ट्रिगर नहीं होगा, ओनली एक ही कॉन्टेक्ट क्रिएट हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।